हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक फॉर द नेक्स्ट लेक्चर। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको कुछ 5 क्वेश्चंस दिए थे एज अ होमवर्क। उम्मीद करता हूँ आपसे वो सारे क्वेश्चंस बन गए हो, क्योंकि काफी इजी क्वेश्चंस थे और वो जो क्वेश्चंस थे प्रीवियस ईयर नीट्स में और नीट में पूछे हुए क्वेश्चन थे, लास्ट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन थे कुछ बिफोर 5 to 10 ईयर्स के गैप में। और उसमें से मैं ये चैप्टर स्टार्ट करूं, कंटिन्यू करूं, नेक्स्ट लेक्चर कंटिन्यू करूं, बिफोर दैट मैं वो डिस्कस करूंगा। और बिफोर स्टार्टिंग द लेक्चर, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप उसे सब्सक्राइब कीजिए, जितना ज्यादा हो सके शेयर कीजिए, लाइक कीजिए एंड ऑलवेज प्रेस द बेल आइकन सो दैट आपको वो नोटिफिकेशन मिलते रहे मेरे वीडियो के, जो भी मैं अपलोड करूंगा वो आप तक पहुंचता रहे प्रॉपरली। और प्लीज कमेंट करना ना भूलें, क्योंकि अगर आप कुछ भी बेटर सुझाव देंगे, आपके सजेशंस होंगे, हम लोग उसको रेक्टिफाई करेंगे और उसको और बेटर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो कमिंग टू द फर्स्ट क्वेश्चन, जो फर्स्ट क्वेश्चन था, व्हाट विल बी द टोटल नंबर ऑफ म्यूटिक डिवीजन इन द फॉर्मेशन ऑफ 64 डॉटर सेल्स। नाउ फर्स्ट वी हैव टू फाइंड व्हाट इज गिवन इन द क्वेश्चन। क्वेश्चन में क्या दिया है, सबसे पहले क्वेश्चन दिया है नंबर ऑफ डॉटर सेल। क्वेश्चन नंबर वन, नंबर ऑफ डॉटर सेल इट इज गिवन एज 64, ठीक है। एंड टाइप ऑफ डिवीजन, टाइप ऑफ डिवीजन क्या है यहां पे, माइटोटिक। माइटोटिक डिवीजन है, मतलब क्या हुआ कि एक पेरेंट जब डिवाइड करेगा तो वो दो डॉटर सेल्स देगा। दिस इज व्हाट द हिंट ऑफ द क्वेश्चन। क्वेश्चन कभी भी आपको हिंट देता है, जब भी उसे आप प्यार से पढ़ेंगे, जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा प्यार से पढ़िए क्वेश्चन को, वो आपको हिंट प्रोवाइड कर देगा। और अगर आप सही हिंट को पकड़ लिए तो क्वेश्चन आराम से सॉल्व कर लेंगे। माइटोटिक डिवीजन है, मतलब एक सेल दो सेल बनाएगा। अब देख लेते हैं हमसे पूछ क्या रहा है भाई, अपने से पूछ रहा है नंबर ऑफ डिवीजन। नंबर ऑफ डिवीजन, कितना डिवीजन लगेगा कि 64 डॉटर सेल्स बन जाएंगे। बहुत आसान है, यहां पे मान लीजिए एक से दो हुआ, ठीक है, दो से कितना होगा, फिर डबल होगा चार, चार से डबल आठ, आठ से डबल 16, फर्दर 32 एंड 64। कितने डिविजन हो गए भाई, एक दो तीन चार पांच छह। सो आपके ऑप्शंस में जो पहला ऑप्शन है ए, 6 इज द करेक्ट आंसर। अब यहां पे ये नीट का क्वेश्चन है, मतलब दो चीज आपको ध्यान में रखना है, पहला तो सही करने की कोशिश करना है, नहीं तो आपको छोड़ देना है। अगर आप सही करते हैं तो नीट वाले हर एक करेक्ट आंसर पे आपको देंगे +4 मार्क्स, और अगर एक गलत होता है तो वो -1 हो जाता है। तो कभी भी गलत करने की कोशिश नहीं करना है, आप उसको प्रॉपरली क्वेश्चन को प्यार से पढ़िए, क्वेश्चन आपको आंसर सीधे प्रोवाइड कर देगा, ठीक है। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर टू, इट इज वेरी इजी। नाउ हिस्टोन प्रोटीन सिंथेसिस अकर्स ड्यूरिंग व्हेन द फॉर्मेशन ऑफ हिस्टोन प्रोटीन अकर्स ड्यूरिंग इंटरफेस। ये हम जानते हैं, मान लीजिए ये हम इंटरफेस एक बनाते हैं यहां पे, दिस इज व्हाट द G1, ये G1 है, ये S है, ये G2 है एंड नाउ M, और यहां से एक G0 साइकिल है, ठीक है। तो जब ये G1 में है तो G1 में क्या हुआ भाई, G1 में हुआ ट्रांसक्रिप्शन हुआ, मतलब RNA के फॉर्मेशन हुए, वहां पे प्रोटीन के फॉर्मेशन हुए, वहां पे ATP के फॉर्मेशन हुए, वहां न्यूक्लियोटाइड का फॉर्मेशन हुआ, लेकिन यहाँ पे हिस्टोन प्रोटीन के फॉर्मेशन नहीं हुए। S फेज में क्या हुआ, यहाँ पे रेप्लिकेशन होता था, रेप्लिकेशन हुआ है और हिस्टोन प्रोटीन का फॉर्मेशन हुआ है, फॉर्मेशन ऑफ हिस्टोन प्रोटीन इन S फेज। सो नाउ दैट क्वेश्चन इज सॉल्व आई थिंक, सो द करेक्ट आंसर इज C, S फेज, इट इज गिवन इन द क्वेश्चन। हिस्टोन प्रोटीन सिंथेसिस अकर्स ड्यूरिंग S फेज। नाउ द थर्ड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, इट इज ऑल्सो वेरी इजी। द सिक्वेंस ऑफ सेल साइकिल क्या है भाई, सेल साइकिल का सिक्वेंस G1, S, G2
एंड लास्टली एम, तो आपको ये मैच करना है किस ऑप्शन में है ये ऐसा दिया हुआ। नाउ गो टू द ऑप्शन डी G1S, G2 एंड M, सो हियर इज डी इज द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 3। अब आप इसे यहां से नहीं पकड़ सकते, M से नहीं पकड़ सकते, क्योंकि M क्या है, M फेस डिवाइड हो चुका है ये से, स्टार्ट तो यहां से होगा ना, कभी भी जब उसकी तैयारी होगी, ये जो पूरा फेज है जिसे हम इंटरफेज कहते हैं, इट इज व्हाट कॉल्ड एज इंटरफेज। ये क्या है, ये इंटरफेज है, तो इंटरफेज में तैयारी होती है, इसी को प्रिपरेटरी फेज भी तो कहते हैं, यहां तैयारी हो रही है। और G1 इज कॉल्ड एज पोस्ट माइटोटिक, G2 इज कॉल्ड एज प्री माइटोटिक, क्योंकि M के बाद G1 आ रहा है, S इज कॉल्ड एज सिंथेटिक, तो जो तैयारी हो रही है फॉर द सेक ऑफ M फेज और द डिवीजन इज गोइंग टू बी अपर इन केस ऑफ इंटरफेज ओनली। The preparations for the cell division cannot occur in M phase. M phase here just only for the division of the cell. ठीक है? So we have to always check the sequence, the start of interphase from G1. हम इसे cell cycle का start M से नहीं कह सकते। G1 preparation करेंगे पहले, तभी तो NEET का exam देंगे ना। पहले NEET का exam देंगे, बाद में preparation करेंगे? ऐसा नहीं होगा। पहले हम preparation करेंगे। G1, S, G2 and M. So the D option is correct. Now coming to the question number 4. What exactly is it? During cell cycle, DNA replicates. The first option is once, second option twice, third option many times and fourth option not at all. So always try to eliminate the option not at all. Ho hi nahi sakta. कभी तो होगा ना, क्योंकि पेरेंट्स की जो जेनेटिक कंस्टिट्यूएंसी है वो बच्चे में सेम होनी चाहिए, बच्चे और पेरेंट्स में सेम होना चाहिए। जो डॉटर सेल होगा, जो पेरेंट सेल होगा, यहाँ पे जो डॉटर सेल अगर ये मान लीजिए 2n है तो पेरेंट सेल भी 2n ही होगा, और अगर पेरेंट सेल 2n है तो जो डॉटर सेल्स होंगे दे आर ऑलवेज डिप्लॉयड, वो भी डिप्लॉयड ही होंगे। सो यहाँ पे ये तो हो गया कि भाई कहीं ना कहीं डिवीजन सॉरी रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए तो होगा। अब उसमें नॉट एट ऑल नहीं हुआ, मेनी टाइम्स चेक कर लेते हैं, यहां से G1 से चेक करते हैं, यहां पे तो कोई रेप्लिकेशन नहीं हुआ, डीएनए रेप्लिकेशन यहां पे हुआ एस फेज में, यहां नहीं हुआ, यहां तो बिल्कुल नहीं हुआ, यहां तो डिवाइड हो गया, तो कितनी बार हो रहा है भाई, सिर्फ एक बार हो रहा है डीएनए रेप्लिकेशन। सो द आंसर इज ए, क्वेश्चन नंबर 4 ए, ओनली वंस द रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए अकर्स Once during the cell division, सिर्फ एक बार होगा। Now question number 5, the last question. It is also related to the interphase. Gnot phase of cell denotes. In that question is telling about this phase, Gnot phase. Gnot phase में क्या हो रहा है, वो क्या denote करता है? Exit of cell from the cell cycle. शायद सही कह रहा है ये, यहां से cell बाहर ही तो हो रहा है, सेल साइकिल को ये क्विट ही तो कर रहा है, एग्जिट ही तो है इसका। दूसरा ऑप्शन देखते हैं, चेक पॉइंट बिफोर एंटरिंग द नेक्स्ट फेज, इट इज नॉट एक्टिंग एज अ चेक पॉइंट। मैंने चेक पॉइंट में क्या बताया था, G1S, G2M, साइक्लिक इंडिपेंडेंट काइनेसिस, दे आर द रियल चेक पॉइंट्स, और MPF की बात भी होती है वहां पे, मैचुरेशन प्रोमोटिंग फैक्टर। तो यहां पे ये G0 इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द चेक पॉइंट, सो सेकंड ऑप्शन इज रॉन्ग। थर्ड इज डेथ ऑफ सेल, यहाँ पे ये मतलब नहीं होता कि सेल डेड हो गया, यहाँ पे इसका मतलब क्या है कि ये फिट नहीं है, ये वीक है, या वो कुछ कंटेंट या कुछ जो इनके जो होने चाहिए सेल डिवीजन के लिए वो शायद इनके पास प्रॉपर नहीं है, तो इनको जीनोट फेज में डाल दिया जाता है, इसको कहा जाता है क्विसेंट फेज, दिस इज व्हाट कॉल्ड एज क्विसेंट फेज। सो सेल डेथ तो नहीं होता। नाउ इज इट टेम्पररी पॉज एज गिवन इन ऑप्शन डी, नो इट इज नॉट अ काइंड ऑफ cause of cell division, cell cycle, pause तो कुछ भी नहीं हुआ, सब तो चालू ही है, so the best answer is A, exit of cell from cell cycle, cell cycle से cell exit हो चुका है। अब ये तो हमारे क्वेश्चंस हो गए जो हमने आपको एज अ होमवर्क दिया था लास्ट लेक्चर में, ठीक है, और मतलब
बच्चे तो अच्छे ही होते हैं, वो सारे क्वेश्चंस कर ही लिए होंगे, और अगर आपने नहीं किया तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज आप क्वेश्चंस को करते रहेंगे, बहुत ही मजा आएगा इसमें, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन मैं आपको दूंगा, फिर आपको मतलब इस चैप्टर से खेलने में मजा आएगा। वी मींस मी एंड यू बोथ विल प्ले विद दिस चैप्टर। इसको भी लगेगा कि भाई मैं क्यों बन गया, मुझे नहीं बनना चाहिए था, लोग तो हल्के में ले रहे हैं अपने, ठीक है। तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, आज हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे मेटाफेज, प्रोफेज, एनाफेज, टेलोफेज, विच आर द डिफरेंट फेजेस ऑफ माइटोटिक डिवीजन। माइटोसिस में चार फेजेस थे, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टेलोफेज, और मियोसिस में दो मेन फेजेस थे, मियोसिस वन एंड मियोसिस टू। मियोसिस वन में और फर्दर चार फेजेस थे, क्योंकि ये वन रिप्रेजेंट कर रहा है, तो प्रोफेज वन, मेटाफेज वन, एनाफेज वन, टेलोफेज वन, और मियोसिस टू में टू रिप्रेजेंट कर रहा है, तो प्रोफेज टू, मेटाफेज टू, एनाफेज टू, टेलोफेज टू, ओके। अब प्रोफेज वन में थोड़ा सा ट्विस्ट वहीं पे है, क्योंकि सारी कहानी जो है ना वहीं अटकी हुई है, जो मियोसिस को रिडक्शनल डिवीजन कहते हैं वो सब वहीं पे रुका हुआ है, वो जो पार्ट है मियोसिस वन इज वेरी इंपॉर्टेंट हियर, क्योंकि मियोसिस टू तो लाइक माइटोटिक डिवीजन ही है, जैसा मैंने आपको एक्सप्लेन किया था लास्ट लेक्चर में। तो प्रोफेज वन ऑफ मियोसिस वन या मियोसिस वन के प्रोफेज वन में पांच सब स्टेजेस हैं, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैचिटीन, डिप्लोटीन एंड डाइकिनेसिस, और वो डाइकिनेसिस फिर फर्दर मियोसिस टू की तरफ माइग्रेट करेगा, ये हमने लास्ट लेक्चर में देख लिया था। तो आज हम स्टार्ट करेंगे माइटोटिक डिवीजन से। तो आज जो हम पढ़ेंगे, आज हम पढ़ेंगे माइटोसिस। बिफोर स्टार्टिंग द रियल माइटोसिस, मैं आपको थोड़ा सा कुछ इंट्रोडक्शन यहाँ पे दे दूं, कुछ साइंटिस्ट ने जो पहले कुछ काम किए हैं मैं उनके बारे में आपको मैं बता दूं जरा, कि यहाँ पे दो साइंटिस्ट थे, स्ट्रासबर्गर एंड फ्लेमिंग। स्ट्रासबर्गर एंड फ्लेमिंग ये दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने सबसे पहले ऑब्जर्व किया था माइटोसिस को इन प्लांट सेल एंड इन एनिमल सेल। मतलब स्ट्रासबर्गर फर्स्टली ऑब्जर्व्ड माइटोसिस इन केस ऑफ प्लांट सेल एंड फ्लेमिंग ऑब्जर्व्ड माइटोसिस इन केस ऑफ एनिमल सेल। हाउ वी कैन डिफाइन माइटोसिस, पहले समझते हैं कि माइटोसिस में क्या होगा। पहले मान लीजिए ये एक सेल है और ये सेल डिवाइड करेगा, तो हम जानते हैं कि दो सेल देगा, अगर ये डिप्लॉइड है तो ये दोनों भी डिप्लॉइड होगा। तो ये क्या है, ये है पेरेंट सेल, तो ये जो दोनों है दीज टू आर द डॉटर सेल, ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा डॉटर सेल, ठीक है। तो मतलब क्या हुआ कि एक सेल जो पेरेंट सेल है वो ब्रेक हो रहा है, वो अपने हर एक कंस्टिट्यूएंट्स को दो इक्वल हाफ में फॉर्म करके बांट रहा है दो सेल्स के पास, मतलब दिस एंड दिस बोथ आर आइडेंटिकल विथ ईच अदर। तो एंड फॉर दिस टू डॉटर सेल्स दैट पर्टिकुलर पेरेंट सेल इज रिस्पॉन्सिबल, व्हेन इट गोज फॉर डिवीजन इट रिजल्ट्स इनटू अ पेयर ऑफ डॉटर सेल, व्हेन दैट पर्टिकुलर सेल मूव्स विथ माइटोटिक डिवीजन। नाउ दैट माइटोसिस कैन ऑल्सो बी कॉल्ड एज माइटोटिक डिवीजन, इट कैन बी ऑल्सो कॉल्ड एज माइटोटिक डिवीजन, एंड वी ऑल्सो डिस्कस्ड इन आवर लास्ट लेक्चर दैट इट कैन बी ऑल्सो कॉल्ड एज इक्वेशनल डिवीजन, इट कैन बी ऑल्सो कॉल्ड एज इक्वेशनल डिवीजन। इक्वेशनल डिवीजन मतलब देखिए ना, ये भी डिप्लॉयड है, ये दोनों भी डिप्लॉयड है, तो प्रीवियस बिफोर डिवीजन जो है सेम आफ्टर डिवीजन भी है, तो x इज इक्वल टू y, तो ये इक्वेशनल डिवीजन है।
ठीक है। नाउ हाउ वी कैन डिफाइन द माइटोटिक डिवीजन, कैसे हम माइटोटिक डिवीजन को डिफाइन कर सकते हैं। सो इट कैन बी डिफाइंड एज अ प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन इन विच अ पेरेंट सेल divides and forms two identical daughter cell। ये दो identical daughter cell form करता है, मतलब ये दोनों एक दूसरे का xerox copy होगा, कुछ भी चेंज नहीं होंगे। अब ये आइडेंटिकल जो होंगे वो किस फैक्टर पे होंगे भाई, तो ये जो आइडेंटिकल हमने ये शब्द यहाँ पे यूज किया है, ये किस बेसिस पे ये आइडेंटिकल कहलाएंगे। पहला, ये आइडेंटिकल जो होगा मैं यहां लिख देता हूं, ये जो आइडेंटिकल होंगे वो जेनेटिक कंस्टिट्यूएंट को लेकर, ओके, दे आर आइडेंटिकल इन स्ट्रक्चर, दे आर आइडेंटिकल इन हैविंग सेल कॉन्स्टिट्यूएंट, सेल कॉन्स्टिट्यूएंट, एंड दे आर ऑल्सो आइडेंटिकल विथ द साइटोप्लाज्मिक कंपोजिशन। दे आर ऑल्सो आइडेंटिकल विथ हैविंग द टैक्स ऑफ ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक मिनरल्स आयंस एवरीथिंग, हर एक सब्सटेंसेस को लेकर के ये दोनों आइडेंटिकल होंगे। इनके पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन है तो इनके पास भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगा, साइटोप्लाज्म है तो इनके पास भी होगा, शेप भी अगर ये क्यूबॉइडल है तो ये भी क्यूबॉइडल होगा, ये मतलब ओवल है तो ये भी ओवल होगा, मतलब हर एक लेवल पे ये दोनों एक दूसरे के आइडेंटिकल होंगे। दिस माइटोसिस फर्दर कंसिस्ट ऑफ टू मेन फेजेस, द वन इज कॉल्ड एज इंटरफेज and the another one is called as M phase, इसको आप mitotic phase भी कह सकते हैं, which is also called as mitotic phase, and now that particular mitotic phase is having four sub phases, the one is called as prophase, the metaphase, the anaphase, and lastly is what, the telophase, prophase, metaphase, anaphase and telophase। अब ये prophase जो start हुआ है वो कहां से start हुआ है भाई, interphase जैसा कि हम बता रहे हैं, इसमें कितने phases होंगे, interphase में तीन होगा, G1, S, G2, और फर्दर दैट G2 opens into prophase। मतलब यहां पे तो ये तैयारी हो गई ना, ये जो इंटरफेज है यहां पे तो प्रिपरेशंस हो गए, वो सेल प्रिपेयर हो गया फॉर द डिवीजन, अब ये यहां से डिवाइड होना शुरू हो जाएगा। तो जब माइटोसिस है जिसे हम इक्वेशनल डिवीजन कहते हैं, उसमें भी दो फेजेस होंगे, इस ये पर्टिकुलर सेल को भी तो तैयारी करनी होगी, चाहे लड़का हो या लड़की हो, दोनों की नीट की तैयारी करनी पड़ती है, तब जाकर के वो नीट का एग्जाम देते हैं। डायरेक्ट वो एग्जाम देंगे तो रिजल्ट कुछ भी नहीं होगा, ये दिस इज व्हाट अ काइंड ऑफ नीट का एग्जाम है ना, नीट की एग्जाम दे रहे हैं ये यहाँ पे, और ये क्या है, तैयारी कर रहे हैं, पहले तैयारी हुई फिर ये एग्जाम हुआ, तो अब उसके बाद
प्रोफेज फर्दर इंटर करेगा मेटाफेज में, मेटाफेज एनाफेज में, एनाफेज टेलोफेज में, एंड फाइनली दैट टेलोफेज इंटर्स इनटू साइटोकिनेसिस, इंटर्स इनटू साइटोकिनेसिस। नाउ व्हाट एग्जैक्टली हैपेंस हियर, मैं आपको एक सेल बनाता हूं पहले यहां पे। ये मान लीजिए ये एक सेल है जिसके अंदर ये न्यूक्लियस है और यहां पे ये न्यूक्लियोलस है इसका। थोड़ा सा इसको आप बड़ा कर लीजिए, थोड़ा इसे हम बड़ा कर देते हैं। ये देखिए न्यूक्लियस है, ये है न्यूक्लियस, दिस इज व्हाट द न्यूक्लियस ऑफ द सेल। ये क्या है, न्यूक्लियस ऑफ द सेल है, सेल का न्यूक्लियस है जिसके पास न्यूक्लियोलस भी है, दिस इज व्हाट द न्यूक्लियोलस, जिसके पास क्रोमेटिन फाइबर है और न्यूक्लियोप्लाज्म है। मतलब इसके चारों तरफ ये सब क्या है, ये पोर्शन क्या होगा इसका, दिस इज व्हाट द पोर्शन जिसे हम कह सकते हैं साइटोप्लाज्म। और ये क्या है भाई, दिस इज व्हाट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ये क्या है, दिस इज न्यूक्लियोलस एंड दिस इज व्हाट द क्रोमेटिन फाइबर। ये क्या है, क्रोमेटिन फाइबर है। और ये तो हम जानते हैं कि ये क्या है भाई, दिस इज व्हाट द न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियोप्लाज्म है ये। तो अब यहां पे क्या होता है, ये डबल तो हो चुका है। अगर मान लीजिए बिफोर डिवीजन ये सेल यहां से आया है, इंटरफेज, ये इंटरफेज को कवर कर चुका है, तो यहां पे जीवन से ये स्टार्ट किया होगा तैयारी अपनी, एस में आया होगा। मतलब अगर यहां पे जीवन में 2C कंसंट्रेशन है डीएनए का, तो यहां पे 4C हो गया, डबल हो गया डीएनए का कंसंट्रेशन, आगे भी डबल ही रहेगा। लेकिन यहां पे हमने ये देखा था कि सिर्फ मतलब क्रोमेटिन फाइबर के स्ट्रक्चर में है, क्रोमोसोम के फॉर्मेशन नहीं हुए हैं। तब यहां पे क्या जरूरत है कि भाई कि क्रोमोसोम का फॉर्मेशन हो, है ना। तो प्रोफेज में क्या होगा, प्रोफेज में जो यहां पे प्रेजेंट होगा क्रोमोसोम, दे आर प्रेजेंट इन कंडेंस्ड फॉर्म, क्रोमोसोम प्रेजेंट इन कंडेंस्ड फॉर्म, वो कंडेंस्ड फॉर्म में प्रेजेंट है। उसके बाद क्या है यहां पे, ये प्रोफेज में और तीन सब स्टेजेस होते हैं, वो कौन कौन सा होता है मैं यहां पे आगे खींच कर लेके जाता हूं, मैं ऊपर बताता हूं इसके बारे में, ठीक है। ये देखिए, पहला है अर्ली प्रोफेज, दूसरा मिडिल प्रोफेज और तीसरा लेट प्रोफेज। तो जब लेट प्रोफेज तक बात आती है तो यहां पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोलस डिसअपियर हो जाता है, डिसअपियर्स, ओके। मिडिल में यहां पे क्या होता है, ये जो सेंट्रोसोम है, सेंट्रोसोम डुप्लीकेट कर जाता है, डुप्लीकेट्स, और लेट तक अपोजिट पोल्स में माइग्रेट कर जाता है। अर्ली में क्या होता है भाई, अर्ली में जस्ट स्टार्ट होता है, यहां पे जो क्रोमोसोम होंगे वो थिक एंड शॉर्ट होंगे। मैं यहीं पे लिख देता हूं, क्रोमोसोम हैव सिस्टर क्रोमेटिड्स, सिस्टर क्रोमेटिड्स बोले तो ये मान लीजिए ये क्रोमोसोम है, तो ये हो गया सेंट्रोमेयर, यहां पे काइनेटोकोर प्रोटीन हो गया, ये हो गया काइनेटोकोर, काइनेटोकोर प्रोटीन, एंड दिस इज व्हाट सिस्टर क्रोमेटिड, सिस्टर क्रोमेटिड, अ पेयर ऑफ सिस्टर क्रोमेटिड प्रेजेंट इन केस ऑफ व्हाट क्रोमोसोम, दिस इज व्हाट द सेंट्रोमेयर, ये है सेंट्रोमेयर है। तो सेंट्रोमेयर ये स्ट्रक्चर इतना विजिबल नहीं होता है,
प्रोफेज के तक, प्रोफेज तक ये स्ट्रक्चर विजिबल नहीं होता है, थिक होता है और शॉर्ट होता है. दे आर थिक एंड शॉर्ट, दे आर थिक एंड शॉर्ट, दे आर थिक एंड शॉर्ट. अब ये स्ट्रक्चर धीरे धीरे वो गेन करने लगता है क्योंकि बेटा फेज में, यहां पे मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि बेटा का मतलब होता है मिडिल में, मतलब जो क्रोमोसोम्स होंगे दे गेट्स अलाइंड ऑन द मेटाफेज प्लेट. अलाइनमेंट ऑफ क्रोमोसोम ऑन मेटाफेज प्लेट अकर्स. वो मेटाफेज प्लेट पे सारे क्रोमोसोम आके जमा हो जाएंगे. ये कैसा है भाई, मानिए ये दो पोल्स हो गए, जो सेंट्रियोल जो यहां पे हमने लिखा है वो अपोजिट सेंट्रोसोम डुप्लीकेट करेंगे और यहां पे इस लेट में सेंट्रोसोम माइग्रेट्स टुवर्ड्स, सॉरी यहां पे स्पेस थोड़ा कम है तो मैं इसको और यहां से स्टार्ट करता हूं. सेंट्रोसोम शॉर्ट में लिखता हूं, माइग्रेट्स टुवर्ड्स अपोजिट पोल्स, मतलब ये दो अपोजिट पोल्स हो गए ऐसा, और ये जो बीच का पार्ट होगा इसे कहते हैं मेटाफेज प्लेट, इसे कहते हैं मेटाफेज प्लेट, जहां पे क्रोमोसोम ऐसा आके जमा हो जाएगा और ये स्पिंडल फाइबर ऐसा यहाँ पे इसके साथ अटैच हो जाएगा. मैं आपको अभी आगे पूरा एक फ्लो फिगर का फ्लो चार्ट दूंगा आपको, जिसमें एक सिक्वेंशियल वे में क्या हो रहा है, कहां कैसे हो रहा है, सब आपको पता चल जाएगा. तो अब ये जमा हो गया, तो अब जरूरत क्या है इसको बांटने की, तो एना आएगा, एनाफेज. अब यहां पे ये जमा तो हो ही चुका है, मैं डबल डबल बनाता हूं क्योंकि क्रोमोसोम तो डबल फॉर्म में प्रेजेंट है, तो ये ऐसा प्रेजेंट है. अब क्या होगा भाई एनाफेज में, एनाफेज में जो चीजें घटती है यहां पे वो मैं बता देता हूं. एनाफेज में क्या होगा, क्रोमोसोम स्टार्ट्स मूविंग टुवर्ड्स अपोजिट पोल्स. मतलब क्या हुआ, ये दो पोल्स हैं, क्रोमोसोम यहां आ गए, मतलब ये इधर माइग्रेट कर रहा है और ये इधर माइग्रेट कर रहा है. दैट एग्जैक्टली अकर्स इन केस ऑफ एनाफेज, मतलब फिर दोस्त है, आप किसी दोस्त को बुलाओगे आओ तो वो आपकी तरफ आएगा, आना दोस्त आना, मतलब वो आपकी तरफ आएगा. तो क्रोमोसोम सेंट्रोसोम की तरफ मूव करेगा और सेंट्रोसोम क्या है, इट कंसिस्ट ऑफ द सेंट्रियोल स्ट्रक्चर, स्पिंडल फाइबर के फॉर्मेशन होंगे, वो एक रस्सी जैसा है, वो आगे आपके फिगर में समझ में आ जाएगा पूरा भी, अभी जस्ट मैं आपको वो भी बताऊंगा. और ये टेलोफेज में क्या होगा, जो भी चीजें यहां से पहले सब डिसअपीयर हुई है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोलस, द सेल ऑर्गेनल्स, एवरीथिंग व्हिच आर गेट्स डिसअपीयर्ड इन द प्रीवियस फेजेस दे ऑल गेट्स बैक, मतलब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रिफॉर्म कर जाएगा, रीअपीयरेंस ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोलस एंड सेल ऑर्गेनल्स, सब वापस आ जाएगा, कोई भी बचेगा नहीं. मतलब क्या हुआ, यहां से स्टार्ट हो गया, ये क्रोमोसोम कंडेंस्ड फॉर्म में है भाई, यहां पे थिक एंड शॉर्ट है, उनके जो क्रोमेटिड्स हैं थिक एंड शॉर्ट है, नॉट क्लियरली विजिबल, सो इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज स्पाइरल स्टेज. That prophase is also called as spiring stage.
क्योंकि ये ऊन के गोले जैसा रहता है, वुल बॉल जिसे कह सकते हैं। अब ये जमा हो गया तो एक जगह सारे जमा होंगे तभी तो बंटवारा होगा ना। घर की भी चीजें हमें अगर बांटनी होती तो सब एक जगह लाके रखते हैं, 5-10 थाली है भाई, 10 गिलास है, 10 कटोरी है, तो सब पांच पांच बांटते हैं। पहले एक जगह जमा होता है तो वो जमा होगा मेटाफेज प्लेट पे, एनाफेज में वो अपोजिट पोल्स की तरफ मूव कर जाएगा, टेलोफेज में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बन जाएगा क्योंकि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन टूटा है। जब तक ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन टूटेगा नहीं, ये जो क्रोमोसोम है ये बाहर कैसा मूव कर पाएगा दोनों तरफ। तो ये सारी चीजें अभी मैं अभी जस्ट आपको एक फ्लो डायग्राम के हिसाब से बनाऊंगा, पूरा समझ में आ जाएगा आपको। ये बहुत ईजी है, प्रोफेज सब ये सबसे लार्जेस्ट भी है, इसको जरा सा ध्यान दीजिएगा, इट इज द लार्जेस्ट स्टेज, लार्जेस्ट स्टेज ऑफ माइटोटिक डिवीजन। माइटोटिक डिवीजन का ये सॉरी मैंने शॉर्ट में लिख दिया DIVN पावर एन डिवीजन। इन चारों फेजेस में से सबसे ज्यादा समय प्रोफेज को लगता है, उसके बाद फिर मेटाफेज आता है, एनाफेज एंड देन टेलोफेज। नाउ इन फर्दर अभी हम लोग क्या देखने वाले हैं कि जो प्रोफेज है, प्रोफेज में 3 सब स्टेजेस होंगे, जैसे अर्ली प्रोफेज, मिडिल प्रोफेज एंड लेट प्रोफेज। मैं पहले ही फिगर बना दिया ताकि आपको ज्यादा टाइम वेस्ट इसमें नहीं हो वीडियो फिगर ड्रॉ करने में। और अभी हम लोग डिफरेंसेस देखें, जैसे हम लोगों ने पहले क्या देखा था भाई कि प्रोफेज है, मेटाफेज है, एनाफेज है, टेलोफेज है, न्यूक्लियस के अंदर सारी चीजें हो रही है, प्रोफेज में न्यूक्लियस सॉरी क्रोमोसोम कंडेंस्ड फॉर्म में रहेगा, मेटाफेज में मेटाफेज प्लेट पे जमा होगा और एनाफेज में अपोजिट पोल्स की तरफ जाएगा, टेलोफेज में वो सारी चीजें जो पहले गायब हुई है वो फिर से रीअपियर होगी, जो पहले डिसअपियर हुआ है वो फिर से रीअपियरेंस होगा उसका। तो यहाँ पे थोड़ा सा मैं डेप्थ में दे रहा हूं आपको कि जो प्रोफेज है यहाँ पे 3 स्टेजेस हैं। तो न्यूक्लियस के अंदर जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, दिस इज व्हाट द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये जो स्ट्रक्चर है ये है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, और इसके अंदर ये न्यूक्लियोलस, ये न्यूक्लियोप्लाज्म और ये जो स्ट्रक्चर है थिक फॉर्म में, जो मैंने यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो क्रोमोसोम प्रेजेंट होंगे वो कंडेंस्ड फॉर्म में होंगे, वो थिक होंगे एंड शॉर्ट होंगे, दे आर थिक एंड शॉर्ट। अब इसके बाद क्या होगा, इस फिगर और इस फिगर में आप डिफरेंस देखिएगा कि यहाँ पे न्यूक्लियोलस दिख रहा है, यहां भी दिख रहा है मिडिल ऑफ प्रोफेज में भी, बट इन केस ऑफ लेट प्रोफेज न्यूक्लियोलस गायब हो चुका है और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी धीरे धीरे गायब हो रहा है। और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन गायब क्यों हो रहा है भाई, क्योंकि ये मेटाफेज प्लेट पे आने के बाद एक दूसरे पोल की तरफ वो मूव करेगा। तो यहाँ पे क्या कैरेक्टरिस्टिक है, पहली कैरेक्टरिस्टिक कि सेंट्रोसोम प्रेजेंट है अर्ली प्रोफेज में, मिडिल में क्या है कि सेंट्रोसोम डुप्लीकेट हो चुका है, सेंट्रोसोम क्या हुआ है डिवाइड हो चुका है, उसके बाद लेट प्रोफेज में क्या है सेंट्रोसोम दोनों अपोजिट पोल्स की तरफ मूव कर चुके हैं, दिस इज व्हाट कॉल्ड एज अपोजिट पोल्स। अब सेंट्रोसोम क्या है, सेंट्रोसोम ये वो स्ट्रक्चर है जिसके पास सेंट्रियोल प्रेजेंट होता है, इट कंसिस्ट ऑफ सेंट्रियोल एंड फर्दर इट फंक्शंस इन द फॉर्मेशन ऑफ स्पिंडल फाइबर। नाउ व्हाट इज दैट फाइबर, यहाँ पे देखिएगा ये जो स्ट्रक्चर फॉर्म होना शुरू हुआ है ये स्पिंडल फाइबर है, और इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं एस्ट्रल रेज, इसे बोलते हैं एस्टर्स और एस्ट्रल रेज, दीज आर व्हाट द रेज, और इस स्ट्रक्चर को बोलेंगे जहां से स्पिंडल फाइबर जस्ट स्टार्ट हुआ है, फॉर्मेशन ऑफ स्पिंडल फाइबर जस्ट स्टार्ट हुआ है, वो हो गया एस्ट्रल रेज। अब आगे लेट प्रोफेज तक क्या हो गया है भाई, सबसे पहली चीज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर हो चुका है, न्यूक्लियोलस डिसअपियर हो चुका है, जो सेंट्रियोल्स बोलिए या सेंट्रोसोम ये दोनों अपोजिट पोल्स की तरफ माइग्रेट कर चुके हैं, और यहाँ पे क्रोमोसोम पेयर्ड में दिखेगा, इन लेट प्रोफेज क्रोमोसोम अपीयर्स एज पेयर्ड, ठीक है एक पेयर्ड फॉर्म में वो दिखेगा। अब प्रोफेज के बाद आएगा मेटाफेज, मेटाफेज का मतलब क्या होता है,
मैंने आपको बताया है मेटा का मतलब होता है इन बिटवीन, इन बिटवीन। सो दिस इज व्हाट कॉल्ड एज मेटा फेज प्लेट, जो बीच पे, बीच में जो है और जहां पे क्रोमोसोम के अलाइनमेंट हुए हैं, क्रोमोसोम सिंपली गेट्स अलाइंड इनटू द मेटा फेज प्लेट। अब यहां पे थोड़ा सा एक डिफरेंस आपको दिखेगा, वो डिफरेंस क्या दिखेगा कि ये स्ट्रक्चर को मैं थोड़ा सा बड़ा करके यहां बनाया हूं। यहां पे क्या दिख रहा है भाई, ये सेंटर में सेंट्रोमेयर प्रेजेंट है और इसके तरफ जो है दोनों भी तरफ ये जो प्रोटीन है, दिस इज अ काइंड ऑफ प्रोटीन विच ओवरलैप्स द सेंट्रोमेरिक रीजन, द प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन भी कहते हैं इसे, ठीक है। और यहीं से स्पिंडल फाइबर, इससे स्पिंडल फाइबर अटैच होता है, तो दिस इज व्हाट स्पिंडल फाइबर। ये क्या है, स्पिंडल फाइबर है जो कि काइनेटोकोर प्रोटीन से अटैच होकर के है, काइनेटोकोर प्रोटीन से अटैच होकर के है। तो सेम पिक्चर यहां पे देखिएगा थोड़ा सा ध्यान से, ये जो दोनों तरफ जहां पे ये स्पिंडल फाइबर ये अटैच हुआ है वो क्या है, काइनेटोकोर प्रोटीन है। और अटैच होने के बाद ये एक दूसरे को ऐसा पुल करेगा इन एनाफेज, क्यों पुल करेगा, क्योंकि पेरेंटल कॉम्बिनेशन जो है जीन्स की, सेम कॉम्बिनेशन वो ऑफस्प्रिंग में भी होनी चाहिए, तो इसके लेकर के यहां पे ये एक दूसरे को पुल करेंगे इन एनाफेज। कहां है एनाफेज, दिस इज व्हाट द एनाफेज। ओके, बिफोर कमिंग टू द एनाफेज, यहां पे दो टाइप्स के फाइबर आपको मिलते हैं, दो टाइप्स के फाइबर मिलते हैं, द वन इज कॉल्ड एज क्रोमोसोमल फाइबर एंड द सेकेंड वन इज कॉल्ड एज कंटिन्यूअस फाइबर। तो क्रोमोसोमल फाइबर क्या है, दोज फाइबर्स विच अटैचेस विथ द क्रोमोसोम ओनली, दोज फाइबर विच अटैचेस विथ द क्रोमोसोम ओनली, उसे क्या कहेंगे, क्रोमोसोमल फाइबर कहेंगे। लेकिन ये जो फाइबर है यहां से लेके यहां तक ये डायरेक्ट कंटिन्यूअस है, सो इट इज व्हाट कॉल्ड एज कंटिन्यूअस फाइबर। अब मेटाफेज में क्रोमोसोम्स मेटाफेज प्लेट पे मिडिल में इन बिटवीन द टू पोल्स अलाइन हो चुके हैं, स्पिंडल फाइबर वहां से अटैच हो चुका है, मतलब क्या हुआ है कि ये क्रोमोसोम है, इससे ये ऐसा मान लीजिए ये पेयर्ड क्रोमोसोम है, ये इसे मैं स्पिंडल फाइबर बताऊंगा, इधर भी स्पिंडल फाइबर है और ये एक दूसरे को अपोजिट पोल्स की तरफ मूव करेगा और बाद में फिर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के फॉर्मेशंस हो जाएंगे और ये जो जीनोम है ये गार्ड हो जाएगा। तो यहां से थोड़ा सा हम मूव करते हैं एनाफेज की तरफ। एनाफेज में क्या है, ये अब इसे आप न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं समझिएगा, दिस इज नॉट द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। क्यों, क्योंकि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पहले ही ब्रेक हो चुका है, डिसअपियर हो चुका है, ये लास्ट बाउंड्री ऑफ द सेल है जिसको आप सेल मेम्ब्रेन कह सकते हैं। और यहां पे देखिए ये बीच में स्पिंडल फाइबर ब्रेक होने लगा है, स्पिंडल फाइबर ब्रेक अगर हो रहा है मतलब ये पुल किया जा रहा है, इसका टर्म क्या है ध्यान दीजिएगा, एना। एना बोले तो आप किसी, आपके पास मान लीजिए कुछ दोस्त आए हुए हैं और आप उनको क्या बोलते हो, आना इधर आना, आना मतलब वो दोस्त आपकी तरफ आएगा ना कि आपसे वो दूर जाएगा, तो ये है आना, ये क्रोमोसोम को बुला रहा है अपोजिट पोल्स की तरफ बाय द हेल्प ऑफ दिस रस्सी इज लाइक स्पिंडल फाइबर। ये जो फाइबरस स्ट्रक्चर है जो इससे बाइंड होकर के है इनके सेंट्रोमेयर से, वो काइनेटोकोर प्रोटीन से जो अटैच होकर के है वो ऐसा पुल कर रहा है और ये दोनों अपोजिट पोल्स की तरफ मूव कर रहे हैं। तो यहां पे रुकने के बाद फिर से एक बार मैं पहले आता हूं, प्रोफेज में क्या हुआ भाई, प्रोफेज में कोई भी सेल ऑर्गेनेल नहीं दिखेगा। हियर आई हैव रिटेन नॉट अ सिंगल सेल ऑर्गेनेल इज विजिबल इन प्रोफेज स्टेज टिल द लास्ट ऑफ प्रोफेज स्टेज, वहां पे कुछ भी नहीं दिखेगा, क्रोमोसोम कंडेंस्ड फॉर्म में होगा। उसके बाद न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर होगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होगा वो क्या होगा, डिसअपियर होगा, वो खत्म हो जाएगा, वो गायब हो जाएगा। उसके बाद न्यूक्लियोलस भी, न्यूक्लियोलस एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर हो गया, क्रोमोसोम कंडेंस्ड फॉर्म में है, विजिबल नहीं है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज सुप्रीम स्टेज, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज सुप्रीम स्टेज।
इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज स्पायरी मिस्टेज। स्पायरी मिस्टेज बोले तो एक आप मम्मी अक्सर लोग आप देखते होंगे घर पे मम्मी लोग स्वेटर बुनती हैं, तो वो जो ऊन होता है जो वूल है वूल थ्रेड्स है उसको वो एक बॉल शेप स्ट्रक्चर देती हैं। तो सेम वैसा ही स्ट्रक्चर ये दिखता नहीं है, बॉल शेप होता है। दैट्स व्हाई इट इज दैट पर्टिकुलर प्रोफेस, दैट पर्टिकुलर प्रोफेस इज ऑल्सो कॉल्ड एज स्पायरी मिस्टेज। और यहाँ पे सेंट्रियोल, ये तीन चीजें मैंने लिख दिया है ड्यू टू द लैक ऑफ स्पेस, मैं प्रोनाउंस कर दे रहा हूं। यहाँ पे क्या हो रहा है भाई, ये क्रोमोसोम सॉरी सेंट्रोसोम अपोजिट यहाँ पे डिवाइड किया है और अपोजिट पोल्स की तरफ मूव कर जाएगा। क्यों मूव करेगा, क्योंकि मेटाफेज में इसे बाइंड करना है जो वैसे सारे क्रोमोसोम्स को जो मेटाफेज प्लेट पे अलाइंड होंगे। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ब्रेक हो जाएगा, न्यूक्लियोलस गायब हो जाएगा, ये सारी चीजें प्रोफेज में हो जाएंगी। मेटाफेज में मेटाफेज प्लेट पे क्रोमोसोम अलाइन हो जाएगा, बहुत सिंपल है। मेटाफेज अलाइन, मेटाफेज प्लेट पे क्रोमोसोम अलाइन कर जाएंगे और एनाफेज में दे क्रोमोसोम गेट्स पुल टुवर्ड्स अपोजिट डायरेक्शन, दे मूव टुवर्ड्स अपोजिट डायरेक्शन और यहाँ पे पुलिंग फोर्स लगता है जो कि इस डायरेक्शन में अपोजिट डायरेक्शन में क्रोमोसोम को पुल करता है। ये देखिए यहां पे अब दिस इज व्हाट द न्यूक्लियोलस, ये दोनों न्यूक्लियोलस हैं। तो टेलोफेज में आते आते वो सारी चीजें रीअपियर हो जाएंगी जो अभी तक डिसअपियर हुआ था। मतलब क्या, ये देखिए यहां पे दो ये डिवाइड हो गया था तो दोनों न्यूक्लियस में ये आ गया, यहां पे सेंट्रियोल या सेंट्रोसोम जिसे हम कह सकते हैं, ये दोनों दोनों सेल के पास आ गया। उसके बाद ये डिसॉल्व हो जाएगा, ये बाहर निकल जाएगा सेल के, क्योंकि अब ये यहां पे थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा, ये मैं कह रहा हूं कि न्यूक्लियस है, ये क्या है न्यूक्लियस है, तो न्यूक्लियस के अंदर ये तो रहेगा नहीं, बिल्कुल नहीं रहेगा, ये बिल्कुल भी नहीं रहेगा। एक तरह से कहें तो मैं इससे थोड़ा अभी मिटा देता हूं ताकि आप कंफ्यूज ना हो, बिल्कुल कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, ठीक है, मैं इसे अभी इरेज कर दे रहा हूं। ये क्या है, ये एक तरह से मान लीजिए कि ये अभी बाहर का सेल है जो ब्रेक हो रहा है, अब इसके अंदर ऐसा न्यूक्लियस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन फॉर्म हो जाएगा ऐसा। तो सेंट्रियोल तो बाहर आ गया ना, तो एक सेल के पास एक सेंट्रियोल मिल गया, यहां पे ये ऐसा डेवलप कर जाएगा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन सराउंडिंग द न्यूक्लियोलस। तो ये जो सेल अंदर की तरफ बना है, दो न्यूक्लियस जो अंदर की तरफ बन रहे हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साथ, वो उनके पास इनका जीनोम भी हो गया, उनके पास न्यूक्लियोलस भी हो गया और बाद में ये न्यूक्लियोप्लाज्म बन जाएगा इनके पास, ठीक है। तो अब यहां से वो सारी चीजें रीअपियर होंगी जो पहले डिसअपियर हो चुका था। एंड फर्दर दैट आप ये देख सकते हैं कि ये एक ऐसा सेल है, द सेल मेम्ब्रेन इसको हम कहेंगे। ये देखिए न्यूक्लियस, ये दो न्यूक्लियस हो गया इनके पास। अब ये सेल मेम्ब्रेन अंदर की तरफ माइग्रेट करेंगे, वो क्या करेंगे मैंने आपको बताया नहीं है अभी, वो दो वे में साइटोकाइनेसिस होगी, वो नेक्स्ट लेक्चर में मैं डिस्कस करूंगा आपको। दो तरह से, प्लांट के केस में अलग होगा, एनिमल के केस में अलग होगा, सेल फर्रोइंग इन केस ऑफ एनिमल्स और सेल प्लेट फॉर्मेशन इन केस ऑफ प्लांट्स। तो ये एक डिप्रेशन फॉर्म करेगा या फिर कहीं से वॉल लाइक मूव ऑर्गेनिक सब्सटेंस यहाँ पे डिपॉजिट हो जाएंगे प्लांट के केस में, तो ये वॉल फॉर्म कर लेगा और ये यहाँ पे मेम्ब्रेन फॉर्म करने के बाद ये देखिए दो सेल बन गए जो दोनों भी डॉटर सेल्स हैं, जिनके पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, जिनके पास ये व्हाइटिश स्ट्रक्चर जो है ये न्यूक्लियोलस है, ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस है, मतलब न्यूक्लियस का जो कंटेंट है वो पूरा प्रॉपर हो गया दोनों के पास, जो पेरेंट के पास भी था। तो ये एक बहुत ही बेटर फ्लो चार्ट है, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, ये एकदम इजी है। फिर से मैं बता देता हूं, सेंट्रोसोम यहां डिवाइड करेगा, ये दोनों अपोजिट पोल्स की तरफ मूव कर गए, तो अपोजिट पोल्स की तरफ कहां पे मूव किए भाई, टिल द लास्ट स्टेज ऑफ प्रोफेज। कहां हुआ सेंट्रोसोम डिवाइड, कहां हुआ प्रोफेज में। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर कहां होना शुरू हुआ, प्रोफेज में, लेट प्रोफेज तक आते आते न्यूक्लियर मेम्ब्रेन गायब हो जाता है। न्यूक्लियोलस कहां डिसअपियर हो गया, प्रोफेज में,
सब सारी चीजें प्रोफेज में हो रही है और ये लॉन्गेस्ट फेज है, दैट पर्टिकुलर प्रोफेज इज द लार्जेस्ट फेज इन कंपैरिजन टू ऑल दीज फोर फेजेस लाइक मेटाफेज, एनाफेज एंड टेलोफेज। प्रोफेज सबसे लंबा टाइम लेगा क्योंकि सारी चीजें लगभग यहां पे हो रही है। मेटाफेज में क्या हुआ, तो क्रोमोसोम मेटाफेज प्लेट पे अलाइन हो गए, बस मेटाफेज प्लेट पे ये अलाइन हो गए। और बाद में एनाफेज में क्या हुआ भाई, तो एनाफेज में ये क्रोमोसोम को अपोजिट पोल्स की तरफ मूव कर रहे हैं। हम अपोजिट पोल्स किसे कह रहे हैं, ये दोनों जो स्ट्रक्चर है इज व्हाट कॉल्ड एज पोल्स, इसे हम पोल कंसिडर कर रहे हैं। ये अपोजिट पोल्स की तरफ ये पेयर ऑफ क्रोमोसोम है, ये फाइबर इनके साथ मान लीजिए, ये स्पिंडल फाइबर है, मेरे हाथ को आप स्पिंडल फाइबर मानिए, ये यहां से ऐसा अटैच हुआ और ये अपोजिट पोल्स की तरफ माइग्रेट कर गया। अब इसको सराउंड कर लिया जाएगा मेम्ब्रेन के साथ, इसके चारों तरफ मेम्ब्रेन बना लिया जाएगा टेलोफेज में। तो ये बहुत ही आसान चीज है, बहुत ही आसान कॉन्सेप्ट है, आप आराम से समझ सकते हैं। मैं आपको साइटोकिनेसिस भी अभी बता दूंगा। नाउ साइटोकिनेसिस, साइटोकिनेसिस ये क्या हुआ भाई, बिफोर दैट हमने क्या देखा अभी, कैरियोकाइनेसिस मतलब कैरियोकाइनेसिस इज फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस एंड इट इज ऑफ टू टाइप्स। In case of plant cells, it is different. In case of animal cell, it is different. The first one is called as cell furrowing. And that particular cell furrowing generally occurs in animal cell. Cell furrowing बोले तो plowing a field. कुछ नहीं, ये मान लीजिए ये एक cell है, ठीक है, दो न्यूक्लियस यहां पे बन चुके हैं क्योंकि कैरियोकाइनेसिस हो गया है। तो जब कैरियोकाइनेसिस हो चुका है तो एक सेल के पास दो न्यूक्लियस आ जाता है। अब ये क्या होता है, ये दोनों पेरिफेरी से लाइक प्लोइंग ऑफ फील्ड ये इस डायरेक्शन में बढ़ता जाता है एंड फाइनली इट रिजल्ट्स इनटू टू डिफरेंट सेल्स हैविंग अ बेटर सेल मेम्ब्रेन विद न्यूक्लियस एंड ऑल and cytoplasmic content, everything which is present, and it is very similar to the parental cell. This is what called as cell furrowing. ये बंटवारा हो जाता है एक तरफ से, जो कि generally animal cell के केस में present होगा. Now the second one is what called as cell plate formation. Cell plate formation. Now what is that cell plate formation? This particular structure or formation occurs in plant cell के केस में होगा। जो बल्कि बडीज होते हैं उनके पास vesicles होता है, मतलब vesicles of Golgi bodies unites and forms phragmoplast, which further forms cell plate in case of cell plate in the center, of plant cell. मतलब क्या हुआ, जैसे मान लीजिए ये एक सेल है, ठीक है, प्लांट सेल है, ये क्या है, इट इज अ काइंड ऑफ प्लांट सेल, ये क्या है, एक तरह का प्लांट सेल है। अब इसके अंदर में दो न्यूक्लियस तो बन चुके हैं क्योंकि कैरियोकाइनेसिस हो चुका है, तो दो न्यूक्लियस बन चुके हैं। अब ये सेंटर में जो गॉल्गी बॉडीज होता है उनके पास वेसिकल्स होते हैं और वो वेसिकल्स सारे एक जगह जमा हो जाते हैं और यहां पे सेंटर में ऐसा,
तो ये स्ट्रक्चर जो बीच में फॉर्म होता दिख रहा है, दिस इज व्हाट द सेल प्लेट, और ये प्रोसेस कंटिन्यूअसली टुवर्ड्स पेरिफेरी मूव करता है. एंड फाइनली दे गेन व्हाट, दे गेन अ सेल हैविंग सेल वॉल. सेल हैविंग सेल वॉल इनके पास. मैं सेल वॉल लगे तो दूसरे कलर से दिखा देता हूं, क्योंकि प्लांट्स के पास सेल वॉल भी प्रेजेंट होगा. Now these two are the daughter cells having all kinds of cytoplasmic as well as nuclear content. So this is what a kind of cytokinesis, जिसके through cytoplasmic division होता है. पहला karyokinesis होता है, दूसरा cytokinesis होता है. ठीक है, अब starting से मैं आपको बता दूं क्या हमने देखा. Interphase को देखा. Interphase माइटोटिक माइटोसिस में दो फेजेस हैं, इंटरफेज एंड एनाफेज. इंटरफेज में G1S एंड G2, और M फेज में चार डिविजन हमने देखा, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टेलोफेज. एंड आफ्टर द एंड ऑफ टेलोफेज देयर मस्ट अकर द साइटोकिनेसिस प्रोसेस इन विच द डिविजन ऑफ साइटोप्लाज्म अकर्स. साइटोकिनेसिस मीन्स डिविजन ऑफ साइटोप्लाज्म. लास्ट में साइटोप्लाज्म हो गया, मतलब सेल डिवीजन कंप्लीट हो चुका है. सेल का डिवीजन हो चुका, कैरियोकिनेसिस हो गई, साइटोकिनेसिस हो गया, मतलब सेल डिवीजन इज ओवर, नथिंग लेफ्ट नाउ. अब दो डॉटर सेल यहां बन चुके हैं, और यहां पे भी दिस इज व्हाट अ काइंड ऑफ एनिमल सेल. इसे मैं बोलूंगा एनिमल सेल, क्योंकि एनिमल सेल के केस में जो साइटोकिनेसिस होता है इज डन बाय सेल फरोइंग, और सेल प्लेट फॉर्मेशन होता है इन केस ऑफ प्लांट सेल. ओके, थैंक यू वेरी मच.